नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 83,21,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 43,54,000 लोग अब तक रिकवर हुए हैं, जबकि 4,76,000 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। देश भर में अब तक 3,59,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 1,90,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 12,029 लोगों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 11,224 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 8,388 अब तक रिकवर हुए हैं। 482 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में 981 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 820 अब तक रिकवर हुए हैं। 57 लोगों की अब तक मौत हुई है। बुधवार को खरगोन में 10 नए पॉजिटिव प्रकरणों की पुष्टि हुई है, जबकि बड़वानी में 1 नया पॉजिटिव मरीज सामने आया है। निमाड़ में नहीं थम रहा है कोरोना का प्रकोप। खरगोन में 10 नए पॉजिटिव मरीज और बड़वानी में 1 नए मरीज की पुष्टि हुई। खंडवा में बुधवार को खेगावड़ा निवासी एक कोरोना संक्रमित को रिकवर होने के बाद जिला अस्पताल के कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसे मिलाकर खंडवा में अब तक 251 संक्रमित रिकवर हो चुके हैं, जबकि जिले में अब तक 283 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 17 लोगों की अब तक मौत हुई है। खरगोन में बुधवार को जहां 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज रिकवर हुए हैं, वहीं 10 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि की गई है। नए संक्रमित रंगरेजवाड़ी, तलाई मार्ग, पठानवाड़ी, इंदिरा नगर, गौरीधाम, ब्राह्मणपुरी और प्रेमनगर से सामने आए हैं। जिले में अब तक कुल 238 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। बुरहानपुर में बुधवार को कोई नया कोरोना पॉजिटिव प्रकरण सामने नहीं आया है। जिले में अब तक कुल 388 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जबकि 335 रिकवर होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 23 संक्रमितों की अब तक मौत हो चुकी है। जिले में जांच के लिए भेजे गए 399 सैंपल की रिपोर्ट आना अब भी बाकी है। बड़वानी जिले के सिलावत निवासी एक महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये महिला पहले से ही इंदौर के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रही थी। जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 72 हो गई है। इनमें से 55 लोग रिकवर होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 3 लोगों की अब तक मौत हुई है। चीन के खिलाफ इतना गुस्सा कि जेब में रखा एंड्रॉइड मोबाइल निकालकर झोंक दिया आग में। पंदाना में हुआ विरोध प्रदर्शन। लद्दाख में भारतीय सैनिकों पर चीन सैनिकों द्वारा किए गए हमले के बाद देश भर में चीन के खिलाफ आक्रोश पनप रहा है। खंडवा जिले के पंदाना में विधायक राम डांगुरे के नेतृत्व में किए गए विरोध प्रदर्शन में चीनी सामान की होली जलाई गई। इस होली में टेलीविजन लाइटिंग सीरीज के साथ ही चीन में निर्मित कुछ एंड्रॉयड मोबाइल भी आग के हवाले कर दिए गए। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बस स्टैंड पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में चीन के खिलाफ और भारतीय सेना के पक्ष में जमकर नारेबाजी की गई। विधायक डांगुरे ने कहा कि हमें चीन को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। चीन हमेशा भारत के खिलाफ साजिश रचता है और जब भी मौका मिलता है भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है। चीन को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए चीनी सामान का बहिष्कार करें। रोजमर्रा में काम आने वाली वस्तुएं जैसे इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्यान्न, घड़ियां, जेम्स एंड ज्वेलरी व कपड़ों का बहिष्कार होना चाहिए। सामान नहीं खरीदेंगे। मेरे पास भी अगर होगा चाइना का मोबाइल तो मैं भी उसको बदल दूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और मुझसे जुड़े हुए जो जो लोग हैं जो चाइना का मोबाइल या चाइनीज इंस्ट्रूमेंट्स का या वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उन सबसे मैं आग्रह करूंगा, दुकानदारों से, व्यापारियों से, मेरे क्षेत्र के जो जो लोग व्यापार से संबंधित है, व्यापार कर रहे हैं, उनके पास चाइना का सामान है तो हम लोग उसका उनसे बहिष्कार करने का आग्रह करते हैं और लगातार हम लोग करते हैं। खंडवा में भाजपा और कांग्रेस नेताओं की क्रशर मशीनों पर प्रशासन का शिकंजा। 2,12,00,000 रुपए का जुर्माना ठोका। जिले में अवैध रूप से या नियम विरुद्ध खनन कर रहे क्रशर मालिकों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। खनिज विभाग के 12 पट्टेदारों पर 2,12,00,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। यह अर्थदंड गौण खनिज गिट्टी, पत्थर, मुरम, स्टोन क्रशर की स्वीकृत खदानों में पट्टेदारों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है। जिला खनिज अधिकारी सचिन वर्मा ने बताया, हरित पाल सिंह होरा पर 32,00,000 रुपए, रितेश टुटेजा पर 8,00,000, उत्तम पाल सिंह पर 16,00,000, राकेश बंसल पर 12,00,000,
अनुराग बंसल पर 16 लाख, ऋषिकेश शर्मा पर 4 लाख, सुरेश जाट पर 32 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। जयनारायण यादव पर 36 लाख रुपए, यशवंत यादव पर 8 लाख, अशोक कुमार वर्मा पर 8 लाख, आनंद कुमार गुप्ता पर 8 लाख के साथ ही भागचंद नेबनानी के पंधाना स्थित पत्थरमुरम खदान के लिए 32 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। बताते चले, इनमें से अधिकांश क्रशर मालिक या तो भाजपा या कांग्रेस। बुरहानपुर में लॉकडाउन से मिल रही है थोड़ी थोड़ी ढील, अब होटल कर सकेंगे होम डिलीवरी, 7 कंटेनमेंट इलाकों को किया डी नोटिफाई। बुरहानपुर में होटलों को सशर्त होम डिलीवरी की सुविधा दी गई है। प्रशासन ने शहर के 56 होटल और रेस्टोरेंट के नंबर जारी किए हैं। इन होटल से ऑर्डर पर भोजन मंगाया जा सकता है, लेकिन भोजन कंटेनमेंट इलाकों में नहीं पहुंचाया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने होटल संचालकों के लिए सख्त नियमावली भी जारी की है। इसका पालन नहीं करने पर होटल संचालकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा बुधवार को एक अच्छी खबर यह आई कि जिले में 7 कंटेनमेंट इलाकों को अब डी नोटिफाई कर दिया गया है। डी नोटिफाई किए गए इलाकों में रास्तीपुरा वार्ड के 3 इलाके शामिल हैं। इसके अलावा सीलमपुरा, राजपुरा, राजीव वार्ड और महाजना पेट इसमें शामिल हैं। बताते चलें, शहर में धीरे धीरे स्थिति सुधर रही है और लगातार कंटेनमेंट इलाकों को कम किया जा रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करने वाले टीवी एंकर के विरुद्ध उबला आक्रोश, दिन भर चला ज्ञापन देने का दौर। दुनिया भर में गरीब नवाज के नाम से पहचाने जाने वाले सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ एक टीवी एंकर द्वारा अर्गनल वाक्य कहने के बाद ख्वाजा के दीवानों का आक्रोश उबल पड़ा। बुधवार को खंडवा में दिन भर टीवी एंकर अमीश देवगन के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुस्लिम समाज के विभिन्न संगठनों ने कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन सौंपे। शहर गाजी सैयद निसार अली ने उलेमा आइम्मा काउंसिल और समाजजनों की ओर से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, तो वहीं मुस्लिम पंचायत के नुमाइंदों के साथ मोहम्मद शब्बीर कादरी ने ज्ञापन सौंपा। जिले के समस्त समाजजनों की ओर से शेख अबरार, मोहम्मद जावेद और वसीम मिर्जा ने एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से जाहिद खान, अशफाक सिद्दीकी और बिलाल पेंटर ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर टीवी एंकर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए जाने की मांग की। उधर टीवी एंकर अमीश देवगन ने एक ट्वीट के माध्यम से समाज से माफ़ी मांगी है और कहा है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, बल्कि गलती से ये शब्द मेरे मुंह से निकल गए थे। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में फिर गूंजे मंत्र, तीर्थ नगरी में लौटने लगी रौनक। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर को मंगलवार से आमजन के लिए खोल दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना काल के नियमों में रहकर दर्शनार्थियों ने भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन का लाभ लिया। हालांकि दर्शनार्थियों को ज्योतिर्लिंग के करीब 21 फीट दूर से ही दर्शन कराए जा रहे हैं। दर्शन करने आए भक्तों को मुख्य द्वार पर ही सैनिटाइज किया जा रहा है। यहीं पर उनसे ऑनलाइन बुकिंग की जानकारी लेकर उनकी उपस्थिति पंजीयक में स्थिति दर्ज कराई जा रही है। इधर खंडवा में भी मंगलवार को सभी धार्मिक स्थलों पर दर्शन और इबादत का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को नियम का पूरी तरह से पालन करना होगा, अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। शहर में सभी देवालयों के साथ ही इबादत गाहों में दर्शन व जियारत शुरू हो गए हैं। खंडवा में सभी तरह की दुकानें खोले जाने के आदेश जारी, कल से खुलेंगी सब प्रकार की दुकानें, लेकिन आर्ट इवन की पद्धति रहेगी लागू। लॉकडाउन के बाद प्रशासन ने शहर में चिन्हित दुकानें आर्ट इवन आधार पर खोले जाने की अनुमति दी थी। आर्ट इवन की स्थिति अभी बनी रहेगी, लेकिन अब सब प्रकार की दुकानें खोली जा सकेंगी। इस आशय से अपर कलेक्टर नंदा भलावे कुशरे ने बुधवार शाम आदेश जारी कर दिए हैं। मंगलवार को कलेक्टरेट कार्यालय में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में सांसद नंद कुमार सिंह चौहान सहित जिले के चारों विधायकों ने बाजार को पूरा खोले जाने की बात कही थी। इसी तारतम्य में बुधवार शाम को यह आदेश जारी किया गया है। हालांकि आदेश में अभी ये स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार की दुकानें खोली जानी हैं। आदेश के अनुसार बाजार और बाजार परिसरों में समस्त प्रकार के प्रतिष्ठान खोले जा सकते हैं। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।